श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की साबका प्रधान बीबी जगीर कौर ने बरगाड़ी विच मोर्चा लाने वालों नूं कांग्रेस के एजेंट करार दिता है। उन्होंने कहा कि बरगाड़ी विच इकट्ठे हुए लोग कांग्रेस के एजेंट हैं। बीबी जगीर कौर ने दोष लाया कि कांग्रेस की मदद नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कब्जा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन्हां दी कोशिशां ना तो पहला कामयाब हुई सन अते ना ही हुण होणगियां। उन्हें कहा कि कोई भी श्रोमणी अकाली दल का मुकाबला करने के समर्थ नहीं है। इस मौके उन्होंने सुखपाल सिंह खहरा से भी निशाना साध्या है। जगीर कौर ने कहा कि ध्यान सिंह मंड, बलजीत सिंह दादूवाल, सिमरनजीत सिंह मान समेत जिन्हें भी आगू बरगाड़ी के मोर्चे में पहुंचे सन उन्होंने वालों निजी तौर पर किया गया इकट्ठ से। सुखपाल सिंह खहरा इकले इसका क्रैडिट लैन की कोशिश कर रहे हैं। बीबी जगीर कौर ने इस मौके सुखपाल सिंह खहरा से यह भी दोष लगाया है कि वह सिख ही नहीं हैं। देखो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का सारे ने मन च दर्द है, ये कोई शक नहीं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का जिथे भी अपमान हो सारी गुरु नानक नाम लेवा संगत को पीड़ होंगी है, दर्द हों, दुख हों, और जो अपमान में कोई गल होंगी है वो अदों की जो गल होंगी है संगत बहीना कट के आदियां ने, और जेडे लोग उत्थे पहुँचे सी वो गुरु ग्रंथ साहब के करके उन्होंने आवाज़ मारी तो बार वोट भी लाए श्री गुरु ग्रंथ साहब के अदब के संबंध में उत्थे कट्टर होवो। जिहड़े लोग उत्थे गए है आम संगत गई है गुरु के अदब वास्ते गल करन वास्ते गई है, ना कि जिहड़े लोग उत्थे बैठे सियासी रोटियां सेकदे है उन्होंने बुलावे ते नहीं सी गई। लो अज उन्होंने कहो कि वो अपना सियासी कोई प्रोग्राम देना होवे, अपनी कोई होर कोई आवाज़ देनी होवे गुरु ग्रंथ साहब तो बिना तो वो उत्थे देण, जे लोग उत्थे जाणगे तो फिर असीं देवांगे तुहानूं। ये जवाब उन्होंने उन्होंने पूछ लियो ना जी, अपना अपना सुझाव। देखो मैं कोई पार्टी के कल्ले कल्ले बंदे की आवाज़ बन के थोड़े तुहानूं दस्सांगी, मैं तो पार्टी वालों दस्सांगी कि मेरी पार्टी के सारे विधायकों ने इस करके वाकआउट किया कि सानूं बोलन नहीं सी दे रहे। देखो 600 पेज की वो रिपोर्ट होवे उहदे उत्ते बोलना होवे ते 14 मिनट का समां दित्ता जावे, 14 मिनट में की बोलिया जाएगा। हार के इन्होंने सोचा कि असीं लोगों के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करके बाहर दसीए कि यह जी 600 पेज की रिपोर्ट है की है। असीं सारी रिपोर्ट खोली है, असीं सारी रिपोर्ट पढ़ के दसी है, असीं रिपोर्ट का खुलासा किया, तो कांग्रेस वाले क्यों नहीं करते, ये बरगाड़ी वाले क्यों नहीं करते, रिपोर्ट की है कर लो, जे विच कोई दोषी है तो फड़ लो अंदर दे जेलों से डकन। चलो सेट करे कर ले फिर तकलीफ का दी, जो जो सेट ही बनाती है फिर कड़ी गल कह रहे हैं जी, वो 14 मिनट जेडे स्टैंड हो जांदे ने ओदे प्रोटोकॉल दे हिसाब। पहला उन्होंने कहा सी, उन्होंने कहा जी नहीं, उन्होंने कहा तुहाडी मेजॉरिटी दे सारे 14 मिनट ही मिलने, पर जदों उन्होंने देखिया भी हुण है नहीं इत्थे फिर कहिंदे मन मर्जी ना बोली जाओ, जां ते कह दिंदे कि कोई चिंता ना करो मन मर्जी ना बोलियो खुला बोलियो फिर तो बैठे रहेंगे। देखो जी पहला तो यही पूछ लो सुखपाल सिंह खहरा नूं भी वह सिख हैगा गल सीधी, मैं बहुता नहीं कहना बारे नहीं नहीं सिख तुम कहने कहने सिख कहू कहने, मैं तो कहनी उपतित है, उपतित है वह सिख नहीं है, बस कहता तुम उपतित है नहीं उपतित है बस। चलो देखो की बयान दे रहे हैं, कोई बयान पार्टी के खिलाफ नहीं आया, किसी किस्म की उन्होंने पार्टी को तलांजली नहीं दी, किसी किस्म का वो पार्टी तो वक्रे नहीं हुए, वो साडे पार्टी के सत्कारयोग ने, उन्होंने पार्टी कुर्बानियां ने, असी उन्होंने सहयोगी हैं, वो साडे सहयोगी है, हमेशा उन्होंने सत्कार है पार्टी, हमेशा ही उन्होंने माण बने हैं, उन्होंने कभी भी पार्टी उन्होंने कोई ऐसी गल नहीं हुई जी पार्टी के कदम अपने आप को वक्रा समझते हो। बरगाड़ी उत्थे हुई फरीदकोट रैली, फरीदकोट रैली उत्थे भी नहीं गए, जे रैली हुई सी फिरोजपुर उत्थे भी नहीं गए, कोई जरूरी नहीं कि सारिया ने रैलियों च पहुंचना होंगे, कई बार किसी की सेहत खराब होंगी है, कोई किसी की मजबूरी होंगी है। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे।